हाँ जी, लेबर चैप्टर में हमने सबसे पहले सीखा हुआ है टॉपिक लेबर टर्नओवर का। लेबर टर्नओवर की डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर फोर्स, लेबर वर्क फोर्स, यानी कि किस हिसाब से कितनी जल्दी हमारी कॉम्पोजिशन चेंज होती है। हम दो खर्चे एसोसिएटेड मानते हैं लेबर टर्नओवर से रिलेटेड, प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब हमारे पुराने सीखे सिखाए वर्कर्स ना छोड़कर जाएं तो उनको रिटेन करने का खर्चा, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब अगर वर्कर छोड़कर चले गए तो नए लोगों को लाना पड़ता है, उनके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में खर्चा लगता है, उनको ट्रेन करने में खर्चा लगता है, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर एक कंपनी कंजूसी करती है प्रिवेंटिव कॉस्ट में तो उसको अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट कॉस्ट हायर बियर करनी पड़ेगी, और अगर एक कंपनी इन दी फर्स्ट प्लेस रिप्लेसमेंट अपनी प्रिवेंटिव कॉस्ट ही अच्छी खासी रखेगी तो उसको इवेंचुअली रिप्लेसमेंट कम से कम इनकर करनी पड़ेगी। मेनली हमने इस टॉपिक में सीखा है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड तो यही बताएगा दैट हमने डिनोमिनेटर में डालना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड, न्यूमरेटर में डालनी है सेपरेशंस। सेपरेशंस मतलब जो लोग चले गए, चले जाने का रीजन कुछ भी होगा, खुद से रिजाइन कर गए, हमने निकाल दिया, रिटायर हो गए, वट एवर द रीजन इज, नाउ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कंपनी एनी मोर ड्यू टू एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सेपरेशन। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज वर्कर्स? वर्कर्स इन बिगनिंग और एंड का एवरेज। रिप्लेसमेंट न्यूमरेटर में आएगा रिप्लेस, रिप्लेस मतलब कोई छोड़ के चला गया था, उसकी पोस्ट की वैकेंसी क्रिएट हो गई, उस वैकेंसी को कोई फिल करने आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। अब आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ जी, एक्सेशंस। एक्सेशंस मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। न्यू रिक्रूटमेंट क्या होती है कि पुरानी क्रिएटेड, पहले से कोई पोस्ट नहीं थी, कंपनी हैज एक्सपैंडेड मतलब इट हैज क्रिएटेड न्यू पोस्ट, और न्यू पोस्ट के लिए जो होती है वो होती है नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। तो रिप्लेसमेंट मतलब पुरानी पोस्ट और न्यू रिक्रूटमेंट मतलब न्यू पोस्ट के लिए जो आ रहे हैं, दोनों को मिलाकर हम एक्सेशन बोलते हैं, और एक्सेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है एक तरीके से, टोटल रिक्रूटमेंट। अब इस हिसाब से आपके पास एक फ्लक्स मेथड बनाया गया है जिसमें न्यूमरेटर में रखा नंबर ऑफ सेपरेशंस को और नंबर ऑफ एक्सेशंस को, डिनोमिनेटर में तो एवरेज वर्कर्स चल ही रहा है। इसके अलावा आपके पास दो और मेथड भी होते हैं जी। एक मेथड होता है सिंपली एक्सेशन मेथड। एक्सेशन मेथड बोलता है न्यूमरेटर में सिर्फ एक्सेशन डाल दो, डिनोमिनेटर में एवरेज वर्कर्स चल जाएगा। एक मेथड होता है हमारे पास न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, वो बोलता है सिर्फ और सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट को रखोगे और डिनोमिनेटर में तो एवरेज आ ही जाएगा। ठीक, एक जरूरी नोट, अगर हमारे पास कुछ मिसिंग फिगर वाली इंफॉर्मेशन है तो आपके पास ये आइडेंटिटी काम में आ सकती है। आइडेंटिटी क्या है? वर्कर्स एट द एंड इज इक्वल टू वर्कर्स एट बिगनिंग माइनस सेपरेशन मतलब यू छोड़ के चले गए प्लस एक्सेशन मतलब जो आए। एक और चीज इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, दैट इज इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट। अगर हमारे पास ऊपर की जो भी कैलकुलेशंस हैं एक पीरियड के लिए हैं, एंड दैट पीरियड मे बी लेस देन अ ईयर से अ क्वार्टर से अ मंथ, तो आपको उस मंथली या क्वार्टरली इंफॉर्मेशन को एनुअल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास टर्नओवर रेट कैसे निकलेगा? जो भी आपने रेट फॉर द पीरियड कैलकुलेट किया हुआ है, रेट फॉर द पीरियड, इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज इन पीरियड, और इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डेज इन ईयर। तो मान लो आपके पास इंफॉर्मेशन है एक मंथ की, और वो मंथ है अप्रैल। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, तो जो भी रेट निकला हुआ है, वट एवर मेथड, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, फ्लक्स, जो भी वो रेट निकला हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल 30 और नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365, इस हिसाब से आपका काम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन हमको क्वार्टर का नाम या मंथ का नाम बता रहा है, प्रेफरेंस डेज के हिसाब से काम करने की है। हाँ, अगर वो एक मंथ बोल रहा है बट मंथ का नाम नहीं बता रहा, तो आप बोल सकते हो एक मंथ का रेट है मान लो 4, तो पूरे साल का 4 × 12 = 48, इस तरीके से आप काम कर सकते हो व्हेन क्वेश्चन इज नॉट मेंशनिंग यू द स्पेसिफिक मंथ और क्वार्टर। ठीक, इसके अलावा हमने लेबर टर्नओवर वाले टॉपिक में सीखा हुआ है प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना। प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर में एक बहुत ही जरूरी चीज आती है, कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ड्यू टू लेबर टर्नओवर आउटपुट कम बनता है, आउटपुट कम बनता है मतलब हमारा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन का नुकसान है। हाउ डू यू कैलकुलेट दैट कंट्रीब्यूशन लॉस? इट इज सेल्स लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस के अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो कि लेबर टर्नओवर की वजह से स्पेशली होती है, ऐसे खर्चे, मान लीजिए रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, न्यू लोगों ने आकर जो है आउटपुट थोड़ा डिफेक्टिव बना दिया, उसको करेक्ट करने की कॉस्ट, तो ये भी कॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर ही है। कॉस्ट है मतलब प्रॉफिट कम हो जाता है, हेंस प्रॉफिट लॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा और भी खर्चे आते हैं,
सिलेक्शन कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह, ये सब हिस्सा बन जाता है प्रॉफिट लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर का। दिस वाज वन टॉपिक ऑफ लेबर चैप्टर। अनदर टॉपिक ऑफ लेबर चैप्टर इज कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली रेट, इफेक्टिव वेज रेट जिसे हम बोलते हैं। जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो कॉन्सेप्ट है कि ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस को हम डिवाइड करेंगे इफेक्टिव लेबर आवर्स के साथ। अब ये ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस में क्या जाता है, बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी ऑन अ नॉर्मल बेसिस। कहने का मतलब इसमें अभी ओवर टाइम की बात नहीं की जाएगी। तो कॉस्ट टू कंपनी में आपका बेसिक सैलरी, डीए, परक्विजिट्स, बोनस कमीशन, कोई और अलाउंसेस हो गए, फिर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज अ कॉस्ट टू कंपनी ओनली, वो सब आ जाएगा, राइट? तो ये ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस बन जाता है। हाँ, नॉर्मल टाइम वेजेस में ऐड करते हो ओवर टाइम तो लेबर कॉस्ट बन जाएगा, ग्रॉस लेबर कॉस्ट। बट मेन पॉइंट इज इफेक्टिव आर्ली रेट की कैलकुलेशन में तो हमारे पास नॉर्मल टाइम ही आना चाहिए, नॉर्मल टाइम वेजेस ही आनी चाहिए, ठीक है? बिकॉज ओवर टाइम इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, जहां लग रहा है वही उसी जॉब पर जाकर चार्ज हो जाएगा, ये कोई फैलाने वाली चीज नहीं है, इसलिए हम इसको इस कैलकुलेशन के बाहर रखेंगे। इफेक्टिव लेबर आवर्स का मतलब सिंपली हमारे पास टोटल आवर्स है, माइनस कर देंगे उसको वहां से नॉर्मल आइडल आवर्स। अब एक जरूरी चीज, अगर आपके पास क्वेश्चन साइलेंट है तो जो भी बोनस की कैलकुलेशन है या कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वगैरह की कैलकुलेशन है, दैट विल बी बेस्ड ऑन बेसिक प्लस डीए। ये एक नोट आपने बुक में लिखा भी हुआ है, ठीक? अगर हम आइडल टाइम की बात कर ही रहे हैं तो आइए आइडल टाइम के बारे में प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। व्हाट इज आइडल टाइम? आइडल टाइम मीन्स दैट टाइम विच हैज बीन पेड फॉर बट नॉट यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन, मतलब पेमेंट करी गई बट काम नहीं हुआ। इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे, वन इज नॉर्मल, मतलब जो एक्सपेक्टेड ही रहता है, लंच ब्रेक, टी ब्रेक वगैरह वगैरह, राइट? और इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी? ट्रीटमेंट आपने ऊपर सीख ही ली कि जब हम इफेक्टिव वेज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में इसको एलिमिनेटेड रखेंगे। अब जो भी आपके पास वो इफेक्टिव वेज रेट आया उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने अब नॉर्मल आइडल टाइम के साथ, तो एक वैल्यू आएगी एंड दैट वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है जी? तो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, हम इस तरीके से बात करते हैं दैट पेमेंट फॉर नॉर्मल आइडल टाइम इज बॉर्न बाय एक्सपेक्टेड गुडास, इस तरीके से बात कर लो, बाय इन्फ्लेटिंग दी कॉस्ट रेट। एंड हम अब नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट कैसे बोलेंगे, दैट जो भी इफेक्टिव वेज रेट आया उसको मल्टीप्लाई कर दो अब नॉर्मल आइडल टाइम के साथ, वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल, ठीक? अच्छा, एक बीच में कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा कैश पेबल का, जिसको हम नेट अर्निंग्स भी बोलते हैं। हम सिंपली बात करेंगे कि हमने जो ऊपर ये स्टेटमेंट बनाई ग्रॉस लेबर कॉस्ट में, इसमें जो जो नॉन कैश आइटम है वो तो आपने निकालनी निकालनी है, वर्कर को कैश नहीं जाएगा। तो ग्रॉस लेबर कॉस्ट में क्या क्या नॉन कैश आइटम है? हमारे परक्विजिट्स हो गए या एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ये तो वो आइटम्स है जो कि ग्रॉस लेबर कॉस्ट में इंक्लूडेड है बट नॉट गोइंग एज कैश टू दी वर्कर। इसके अलावा एक और तरीके की कैश एडजस्टमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है कि कंपनी को ही वर्कर के हिस्से की वो पेमेंट गवर्नमेंट के पास जमा करवानी है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक तो एग्जाम्पल टीडीएस का। नाउ टीडीएस इज नॉट अ कॉस्ट बर्डन टू द कंपनी, इट इज अ बर्डन ऑफ एम्प्लॉय हिमसेल्फ, बट एक कैश एडजस्टमेंट हो रही है इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। बेसिकली हम बोलते हैं वर्कर की सैलरी रिलीज करते वक्त माइनस करवाना है, एंड दूसरा एम्प्लॉय की खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड या ईएसआई, ठीक? ये हमारे पास आ गया नेट कैश पेबल टू एम्प्लॉयज। चलिए आगे, इस टॉपिक में हमारे पास ओवर टाइम की बात, एक वर्ड होता है जी ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम रेट में दो बातें आती हैं, एक तो होता है उसका नॉर्मल वेज रेट और एक होता है उसमें प्रीमियम, जो कि ओवर एंड अबव नॉर्मल वेज रेट दिया जाता है। प्रीमियम को लेकर हमने ट्रीटमेंट समझी हुई है। ट्रीटमेंट क्या कि अगर तो ओवर टाइम इज डन एट द डिजायर ऑफ द कस्टमर तो इट विल बी चार्ज एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अगर ये कस्टमर की रिक्वेस्ट पर नहीं बट इन जनरल किया जा रहा है टू कोप अप विद द डेडलाइंस तो इट विल बी चार्ज एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर ये किसी और डिपार्टमेंट के फॉल्ट की वजह से है तो फॉल्टी डिपार्टमेंट को चार्ज कर दिया जाएगा, और अगर ओवर टाइम किया जा रहा है ड्यू टू अब नॉर्मल रीजन तो कॉस्टिंग पी एंड एल को प्रीमियम चला जाएगा। प्लीज नोट दैट ये प्रीमियम की ट्रीटमेंट है, नॉट द टोटल पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, ठीक है? एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया गया था जहां पर हमने ये बताया गया था हमें दैट ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज, जहां पर ऐसे ही वर्ड आ गया एज अ पॉलिसी रेगुलरली, मतलब उस केस में हम नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम के बीच में कैटेगराइजेशन खत्म कर देते हैं, उसमें जो भी पेमेंट है वो नॉर्मल टाइम पेमेंट है, तो वो एक अलग चीज है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकती बिकॉज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। उस केस में हम उस प्रीमियम को ओवर टाइम पेमेंट मानते ही नहीं है, हम बोलते हैं वो तो नॉर्मल टाइम पेमेंट ही है, तो हम एक तरीके से नॉर्मली जैसे इफेक्टिव वेज रेट कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से हमने जॉब्स को एलोकेशन कर दी थी। आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपकी बुक में, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक? अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक चला वो चला डिफरेंट स्कीम्स ऑफ इंसेंटिव
उसमें हमने सिंपली बात की कि एक सिस्टम होता है टाइम रेट का. टाइम रेट सिस्टम बात क्या करेगा, वेजेस विल बी सिंपली टाइम टेकन इनटू टाइम रेट. एक सिस्टम हमारे पास आ गया जी पीस रेट का. पीस रेट मतलब एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई किया जाएगा वेज रेट पर यूनिट. पीस रेट का मतलब होता है वेज रेट पर यूनिट. और वैसे टाइम रेट का हमेशा मतलब होता है कि टाइम के हिसाब से रेट, वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर डे, उसको हम टाइम रेट बोलते हैं. ठीक है. जहां हमने प्रीमियम बोनस मेथड्स की बात की, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था हाल से में ये हो गया हमारे पास टाइम वेजेस वाला कंपोनेंट, टाइम टेकर इनटू टाइम रेट. और इसमें बोनस तभी दिया जाएगा जब टाइम बचाया जाएगा, और बोनस कितना है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट. जहां आपने रोवन डिस्कस किया, रोवन में टाइम वेजेस तो यही रहेगी टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, और उधर बोनस में 50% के बजाय टाइम टेकन बाय टाइम अलाउट कर देते हैं इनटू टाइम सेव इनटू टाइम रेट. बच्चे फॉर्मूला आसान करना बहुत आसान है, बट जब कई बार क्वेश्चन सामने आता है जिसमें आपको टाइम अलाउट टाइम टेकन सेट करना है, उस केस में टाइम टेकन को लेकर अलग से वर्डिंग्स क्या हो सकती है, स्टैंडर्ड टाइम, या जहां पे भी ओनली वर्ड स्टैंडर्ड दिखाई दे जाए, स्टैंडर्ड आउटपुट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन काम आएगी आपके टाइम अलाउड को सेट करने में. टाइम अलाउड है जी, टाइम अलाउड. जहां तक रही टाइम टेकन की बात, इसका दूसरा नाम होता है एक्चुअल टाइम. और इसको ढूंढने के लिए आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे कि वर्कर वर्क फॉर सो मेनी आवर्स ड्यूरिंग द वीक, और वर्कर हैज वर्क फॉर सो मेनी आवर्स ड्यूरिंग द मंथ, या फैक्ट्री के वर्किंग आवर्स इतने हैं. इस तरीके से अगर इंफॉर्मेशन है तो वो एक्चुअल टाइम हमारे पास है. ठीक है जी. अब इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकालते हैं, बिकॉज अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज इफेक्टिव आवरली रेट अंडर हाल से, इफेक्टिव आवरली रेट अंडर रोवन. तो जो भी आपके पास वो अर्निंग्स आई हुई है, अर्निंग्स अंडर हाल से या अंडर रोवन, उसको आपने डिवाइड करना है टाइम टेकन के साथ. हमने काफी क्वेश्चन हाल से रोवन के टॉपिक में किए, जिसमें से कुछ मिसिंग फिगर के क्वेश्चन थे, जहां मिसिंग फिगर है एक्स वगैरह ज्यूम करके अपना काम कर लिया करो. एक एनालिसिस वाला हमने पार्ट डिस्कस किया था हाल से और रोवन के कंपैरिजन में. हमने वहां पर ये डिस्कस किया था दैट हाल से और रोवन सेम रिजल्ट देते हैं, सेम बोनस. टाइम वेजेस तो देखो सेम ही होते हैं दोनों में, सेम बोनस यानी कि सेम टोटल अर्निंग्स, या सेम इफेक्टिव आवरली रेट तब आएगा व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड. बाय द वे, जो ये टाइम टेकन इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम अलाउड है, उसमें एक और बात है दैट बोनस जो होता है रोवन स्कीम का, यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा. तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, बोनस कुछ इस तरीके से जाता है, यानी कि एक लिमिट पर आकर रोवन का बोनस मैक्सिमाइज हो जाता है. जहां पर ये बात आ जाती है दैट कंपनी को उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर दी कंपनी टू इंट्रोड्यूस रोवन स्कीम, क्योंकि इस स्कीम के तहत वर्कर टाइम बचाने की इतनी भी कोशिश नहीं करेगा, एक लिमिट पर जाकर उसका बोनस मैक्सिमम हो जाता है. हाल से रोवन में एक और चीज थी दैट जहां पर भी लॉसेस हो जाते हैं, जहां पर भी कोई मिस्टेक्स हो जाती है कंपनी के द्वारा ही, तो डेफिनेटली लॉस होगा. और लॉस के केस में कौन सी स्कीम कम लॉस करवाएगी, दैट इज रोवन स्कीम होती. हमने बुक में ऐसे एक दो क्वेश्चन देख लिए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमारी एक जनरल डिस्कशन थी लेबर चैप्टर को लेकर. अलग अलग क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. हर टॉपिक में से आपके बेसिक क्वेश्चन जो एटलीस्ट मॉड्यूल वाले हैं या एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, वो आपके कंप्लीटेड होने चाहिए. चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन. बाय.